हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और मैं हूँ द मेडिक शिवेंदु ठाकुर, और ये है हमारे भैया ओमकार भैया। ये KPL वाले भैया हैं, आपने देखा होगा और मुझे आपने पॉडकास्ट में देखा होगा। पॉडकास्ट को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और लोगों तक दे दिए, दिखाइए अपनी पहचान भैया। और क्या कहते हैं कि अभी हम इस बारिश के भद्दे से मौसम में जा रहे हैं एक खास जगह, ठीक है। आप कहाँ जा रहे हैं ये आपको इस व्लॉग में आगे पता चलेगा, सो स्टे ट्यून। बंद हो, अरे बंद हो यार ये बारिश यार। राजन भैया एक्सरसाइज चल रहा है क्या? 1 2 3 ज्यादा नहीं, नाली में गिरोगे। ये बिजनेसमैन। हेलो गाइस, आफ्टर लॉन्ग जर्नी हम काफ़ी, जो आपने पीछे देखी, काफ़ी सारे स्ट्रगल्स और अमेजिंग किस्सों के साथ हम पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन पे, जो मैंने अभी तक आपको नहीं बताई है। हम इज्वेश का आए हैं, ये हमारे लिए एक नया सफ़र, एक नया जर्नी और एक नया शहर है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि हम कहाँ स्टे कर रहे हैं, हम क्यों आए हैं। फ़िलहाल हम अभी आए हैं इज्वेश के सिटी सेंटर पे। जैसे मैंने रजान का बोमन बताया है, वैसे ये इज्वेश का सेंटर स्क्वायर। तो अब मैं आपको यहाँ की जो मेजर हाईलाइट्स है, जो सिटी सेंटर पे अवेलेबल है, मैं उनसे रूबरू कराता हूँ। सबसे पहले हमारे सामने है यहाँ का म्यूजिकल थिएटर। वेल, दूसरी यहाँ की जो आई कैचिंग चीज मुझे दिखी, ये होटल कॉस्मोस। और उसके आगे है हमारा होटल ब्लू रेडिसन, जो हम इंडिया में पाए जाते हैं वो वाला, ठीक है। और दूसरी बात, जो मेरी पहले भी रील्स में आपने देखा होगा कि मुझे बारिश से बड़ी नफरत है, वही मैं तो सोचा था कि आए हाय मस्त प्यारा सा मौसम होगा, खिली खिली धूप होगी, कुछ नहीं तो बारिश तो नहीं होगी एटलीस्ट। लेकिन वो भी बारिश, थोड़ा सा मज़ा किरकिरा सा हुआ, बट इस प्यारे से शहर को देख के मज़ा किरकिरा नहीं हुआ, बहुत मज़ा आ रहा, बहुत मज़ा आ रहा। इतना बढ़िया, इतना शांत सुकून सा है ना यहाँ पे, बता नहीं सकता मैं आपको। एंड ये रहा हमारा होटल कॉस्मस। और इन प्यारी प्यारी लाइटिंग्स के बीच में इतने सुकून से घूमने का कुछ अलग ही मज़ा रहता है। आफ्टर ऑल दिस, मैं जितना इस स्क्वायर को एक्सप्लोर कर रहा था, तब मुझे पता चला यहाँ की एक सबसे खास बात कि यहाँ पर है लेक भी। थोड़ी सी हवा की वजह से हो सकता है मेरी आवाज़ में गड़गड़ाहट हो, बट इस मौसम का कोई तोड़ नहीं, बट काफ़ी मज़ेदार सा है मौसम। अब जैसे अभी हम जा रहे हैं उस लेक की तरफ, सो फॉलो अस विद द लेक। ये रहा सेंटर से पास होता हुआ कुछ एक रास्ता, ये हमारा विशाल का है सेंटर स्क्वायर इज्वेश सिटी का। वो दूर उस मीनार के पास है लेक, तो अभी मैंने जैसे बताया था कि हम लेक की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मुझे लगा कि लेक यूँ ही होगी आसपास में, लेकिन ये लेक की सीढ़ियाँ तो ख़त्म ही नहीं हो रही,
अभी वैष्णो देवी की चढ़ाई उतरी थी, ये मीनार के पास आए थे, ये वाले, ये और सीढ़ियाँ आ गई। जैसे हमारे सीनियर्स बता रहे हैं कि इससे नीचे और सीढ़ियाँ हैं, लेकिन कभी इतनी पास नहीं है। कहते हैं ना दिल्ली दूर है, वो वाली बात है। पता नहीं और क्या ही, मतलब लगता है लेग्स हो ही जाएंगे आज, पता नहीं आज रात क्या ही होगा अपना। फाइनली फाइनली इतना चलने के बाद ही, मीनार को फॉलो करने के बाद हम आ गए जहाँ पे हमें आना था, यहाँ सेंट्रल स्क्वायर के पास की लेक पे। ठीक है, यहाँ से नज़ारा तो बहुत प्यारा है। और ये जो मीनार है, इसकी मैं एक हिस्ट्री बता दूँ कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, ये उसका उसकी विक्ट्री के रिमार्क में बनाया गया है। ठीक है, ज़्यादा जानकारी ये है कि ये इज्वेश जो है वॉर कैपिटल है, नॉट इन द रॉन्ग वे, बट कहा जाता है कि इज्वेश का सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत अच्छा खासा योगदान था, तो ये उसी का रिमार्क है। बहुत प्यारी है बिल्डिंग, इसके स्कल्पचर्स, ये भी दिन के टाइम में और ज़्यादा सुंदर दिखे। फिलहाल ये लो जी, वो उस जगह है लेक, और ये आ गई हमारी चढ़ाई। हमें लगा कि इसी के पीछे होगी, पर ये तो हमारे साथ स्कैम हो गया जी। गाइस, इट्स डे टू इन इज्वेस्क, एंड अभी मैं आपको अपना फ्लैट टूर देने वाला हूँ जहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं। तो ये हमारे साथ ओंकार भाई हैं, एंड ये जैकेट स्टैंड, राजन भैया वीडियो एडिट करना बंद करो, बाद में करना। राजन भैया क्या हाल चाल? अरे कॉपीराइट आएगा सर, ये हमारा महंगा वाला मार्शल। तो बस यही है जो है, और ये हमारा साइड हटू कमर का कमरा, ये बाइक रख के हमने, ये बाहर की बालकनी, ग्राउंड फ्लोर पे ये हमारा फ्लैट, फ्लैट बहुत बढ़िया है। सो दैट्स इट। बादलों का वाला मौसम ना करने के बाद हम आ गए हैं इज्वेस्क स्टेट मेडिकल अकेडमी। तो आज हम यहाँ का यूनिवर्सिटी टूर करेंगे, और एक सरप्राइजिंगली नई यूनिवर्सिटी हमने डिस्कवर की है, उसका भी टूर आएगा, मे बी इन सम अदर वीडियो, बट स्टे ट्यून्ड फॉर मोर फॉर दिस यूनिवर्सिटी टूर। गुफा पार करके आए हम यहाँ की यूनिवर्सिटी के कैंपस में। कैंपस बड़ा ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर है। ये यहाँ का स्टोलोवाया, मतलब यहाँ की कैंटीन हुई यूनिवर्सिटी की। और चलिए आगे, चलिए आगे आगे दिखाते हैं आपको क्या क्या चीज़ें हैं इस यूनिवर्सिटी में। ये यहाँ का कैंपस, और ये जो स्कल्पचर है, ये बताता है कि जो वर्ल्ड वॉर टू में डॉक्टर्स थे वो आईएसएम में ग्रेजुएट्स थे कुछ, और वो इस तरह अपना पूरा जी जान लगा रहे थे जो घायल सिपाही उनकी मदद करने के लिए। ये यहाँ की थियोरेटिकल बिल्डिंग हो गई, यहाँ पे बायोलॉजी या कह सकते हैं कि नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की पढ़ाई होती है।